भारत को हमेशा आजाद बनाए रखने के लिए भारतीय जवानों द्वारा बहुत से बलिदान दिए गए हैं और इन्हीं में से एक का नाम है ऑपरेशन मेघदूत, जिसमें कई भारतीय सैनिक शहीद हुए लेकिन भारत के हिस्से की सुरक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी। दरअसल भारतीय खुफिया एजेंसी रॉस से मिली जानकारी के अनुसार 17 अप्रैल 1984 को पाकिस्तानी सेना सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए चढ़ाई करने वाली है। इस खबर के मिलते ही भारतीय सेना ने तुरंत ही जवानों को अपनी अपनी पोस्ट पर रणनीति बनाकर दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर, जहां का तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक होता है, पर तैनात कर दिया। इस मिशन के तहत 13 अप्रैल 1984 को ग्लेशियर को अपने कब्जे में लेने की योजना बनाई गई, क्योंकि रॉ के अनुसार पाकिस्तान ने 17 अप्रैल तक ग्लेशियर पर कब्जा करने की योजना बनाई थी। ऐसे में भारतीय सेना ने पाकिस्तान से 4 दिन पहले ही ग्लेशियर पर चढ़ाई करने की योजना बनाई, लेकिन यह बिल्कुल भी आसान नहीं था। जिनमें सबसे पहले खून जमा देने वाले ऊंचे ग्लेशियर पर कम समय होने के बावजूद रातों रात चढ़ाई करना, इन सब के बावजूद भारतीय सेना का जज्बा हमेशा की तरह काबिले तारीफ था। लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमनाथ हुन इस ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे थे। 13 अप्रैल 1984 को वह समय था जब देश बैसाखी पर्व का जश्न मना रहा था और वहीं दूसरी ओर भारतीय जवान सियाचिन ग्लेशियर पर तिरंगा लहराने की तैयारी कर रहे थे। इतनी ज्यादा ठंड होने की वजह से कई सैनिक फेफड़े में पानी भर जाने से मर रहे थे। जवानों का पार्थिव शरीर उनके घर वालों तक पहुंचाने के लिए भारतीय सेना ने रेडियो कांटेक्ट कर हेलीकॉप्टर मंगाया, जिससे कि रेडियो की वजह से पाकिस्तानियों को भारतीय सेनाओं की लोकेशन पता लग गई और पाकिस्तानियों ने भारतीय जवानों पर अचानक हमला कर दिया। इधर टेंट की सुरक्षा में तैनात लॉरेंस लैंग चंचल को हमले की भनक लगी और उन्होंने अकेले ही अपनी राइफल लेकर पाकिस्तानियों की हैवी मशीन गन HMG का सामना किया। इसी दरमियान लॉरेंस लैंग चंचल हेडशॉट में शहीद हो गए। गोलीबारी की आवाज सुनकर टेंट में सो रहे जवान उठ गए और तुरंत ही धावा बोल दिया तथा 5 मिनट के अंदर ही पाकिस्तान के सभी 26 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। भारतीय सैनिक लगातार आगे बढ़ते रहे और योंगला, बिलाफोंडला, साल्टोरू लैंड तथा सियाला पर कब्जा करते हुए धीरे धीरे पूरे सियाचिन ग्लेशियर को कब्जे में ले लिया। फ्रेंड्स, आपको कमेंट में बताना है कि ऑपरेशन मेघदूत के दरमियान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे।